हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि सीरीज टेस्ट लैंप कैसे बनाया जाता है और उसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक स्विच की, एक सॉकेट की, एक बल्ब होल्डर की और एक टू पिन प्लग की। टू पिन या थ्री पिन प्लग आप कोई भी ले सकते हैं, और कुछ वायर की। तो फ्रेंड्स, मैं शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरह से सीरीज टेस्ट लैंप के कनेक्शन किए जाएंगे और उसको कैसे चेक किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एक स्विच को, एक बल्ब होल्डर को, एक सॉकेट को, यहाँ पर जो पेच लगे हैं स्क्रू पेच की, नट बोल्ट की सहायता से इसको टाइट कर दिया है। अब इसके पीछे के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे मैं उसको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसको इस तरह से कर देते हैं। आप छोटी प्लेट भी ले सकते हैं, 7-4 की प्लेट ले सकते हैं। मेरे बच्चों की 7-4 की प्लेट नहीं थी, इसलिए मैंने बड़े बड़े बोर्ड में बनाया है। आप ये सरमाइके की 7-4 की प्लेट में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन कैसे होंगे मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये मेरे बल्ब होल्डर से दो तार आए हुए हैं, जिसमें से एक तार को मैं इस स्विच में लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे दो तार बल्ब होल्डर से आए हुए हैं, जिसमें से एक तार मैं इस स्विच पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरह से इसको टाइट कर देता हूँ स्क्रू की मदद से, और दूसरे तार को इस सॉकेट में लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये बल्ब होल्डर से एक तार मेरे स्विच में लगा हुआ है और इसका बल्ब होल्डर का एक तार यहाँ पे लगा हुआ है। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें सप्लाई वायर को कनेक्ट करूँगा। ये मेरा सप्लाई वायर है फ्रेंड्स, ये रेड कलर वाला फेज है। मैं इसको फेज को इस स्विच के एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर दूंगा। ये मैंने कनेक्ट कर दिया फ्रेंड्स, ये मेरा कनेक्ट हो गया। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं टाइट कर देता हूँ इसको, और इसको भी टाइट कर देता हूँ। और इसके ये न्यूट्रल को मैं सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट करूँगा। फ्रेंड्स, कोई भी कनेक्शन लूज ना रहे आप उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर दीजिएगा, जैसे मैंने टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं बता देता हूँ, ये सप्लाई वायर है, इस स्विच पे आया हुआ है और इस स्विच से एक तार ये बल्ब होल्डर में गया हुआ है, और बल्ब होल्डर का दूसरा तार इस सॉकेट में कनेक्ट है, और दूसरे सॉकेट के दूसरे टर्मिनल पर न्यूट्रल कनेक्ट है। ये फ्रेंड्स, आपका सीरीज टेस्ट लैम्प तैयार, बोर्ड तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स, इसको चेक करने के लिए यहाँ एक बल्ब लगाएंगे, और एक हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, इसकी एक प्लग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम दो तार कनेक्ट करेंगे, तो उससे हम किसी भी प्रेस को या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चेक कर सकते हैं सीरीज की मदद से। फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन मैं कर देता हूँ खोल के। ये फ्रेंड्स, ये मेरा ओपन हो गया है। इन दोनों टर्मिनल पे मैं एक एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। एक वायर को मैं इस पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इस प्लग को बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये मेरा तैयार हो गया फ्रेंड्स। ये इससे मैं कोई भी अप्लायंस को चेक करने के लिए उसको मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। ये मेरे दो कनेक्शन हो गए, एक इस पिन पे कनेक्ट है, एक इस पिन पे कनेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त सप्लाई आ रही है 244 वोल्ट आ रही है। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक होम प्रोटेक्टर है, जिसमें कि 245 वोल्ट सप्लाई आ रही है। मैं अब इसमें सॉकेट से कनेक्ट करके टेस्ट बोर्ड को चेक करता हूँ।
फ्रेंड्स अभी मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, ये मेरा सॉकेट है, इसमें मैं सप्लाई दे देता हूँ फ्रेंड्स। ये मैं सप्लाई मैंने दे दी और ये मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने ऑन कर दिया और मैं ये अब ये और मैंने इस प्लग को यहाँ पर लगाया हुआ है। अब मैं इससे चेक करता हूँ कंटिन्यू फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, अब मैं इसको चेक करता हूँ। ये देखिए जल रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब मैं ये मेरा माइक्रोवेव का प्लग है, अब मैं इसको चेक करता हूँ सीरीज़ में। ये देखिए ये बता रहा है। ये आपको इसी तरह कोई भी, जैसे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको अगर आपको कॉयल को या फिलामेंट को चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये जल रहा है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है ये सही है। और फ्रेंड्स इन दोनों टर्मिनल पे, ये चूंकि यहाँ पर सप्लाई होती है, तो इसको आप हाथ से नहीं टच करिएगा, जब ऑन ऑफ करना हो तो आप ये इस स्विच से ऑन ऑफ कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए इसको आप कोई भी चीज़ सीरीज में चेक कर सकते हैं। कोई भी चीज़ की आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, किसी भी वायर की कंटिन्यूटी, या किसी चीज़ को आप चेक कर सकते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं। फ्रेंड्स ये मेरा एक वायर है, ये तो बहुत छोटा है, खैर आप जितना बड़ा चाहें वायर को, अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से आप कर सकते हैं। ये देखिए ये सही है, ये यहाँ पर इसके दोनों टर्मिनल पे लगा देते हैं। ये मेरा वायर ये है, कितना भी बड़ा हो आप उसको इसकी मदद से ये हीटर की कॉइल को, बल्ब को, इलेक्ट्रिक आयरन को, माइक्रोवेव को, किसी भी चीज़ को आप चेक कर सकते हो।